नमस्कार, हम धारावी कलेक्शन एक्शन ग्रुप आत्मनिर्भर और टाटा ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जो लोग खास करके शौचालय चलाते हैं या कम्युनिटी टॉयलेट्स पर काम करते हैं उनके लिए ये है, क्योंकि जो बीमारी कोरोना की बीमारी बढ़ी है धारावी में, उसमें एक मुख्य कारण ये है शौचालय में बहुत सारे लोग आते हैं और वहां से ये फैलाव ज्यादा हो रहा है। अब इस टॉयलेट में जो आदमी इस टॉयलेट को चलाता है वो बहुत अहम भूमिका रखने वाला है, इसलिए उसकी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और ये सुरक्षा के लिए हमको जानना है ये बीमारी होती कैसी है। ये जो विषाणु है, कोरोना का विषाणु है, ये हमारे जब वो बाहर रहता है शरीर के बाहर या कहीं किसी भी चीज पर पड़ा रहता है तो उसमें जीव नहीं होता है, जबकि वो किसी भी तरह हमारे मुंह में या गले में जाता है तो वहां वो जीवित हो जाता है, इससे हमें ये बीमारी आगे बढ़ती है। इसलिए हमको सबसे अहम चीज ये है, ये याद रखना है कि किसी भी हालत में हमारे मुंह को, नाक को, आंखों को और हाथ मिलाने का जो काम है बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसी माध्यम से ये विषाणु हमारे शरीर में हमारे मुंह के द्वारे प्रवेश करता है और बीमारी बढ़ाता है। हमारा जो केयरटेकर है उसको आपको अपने आप को खुद को सुरक्षित रखना है और अपने बस्तियों के लोगों को भी सुरक्षित रखना है, इसलिए उसने सबसे पहले तो क्या पहनना चाहिए, इसमें उसने मास्क लगाना बहुत जरूरी है, उसने फेस शीट या प्लास्टिक का शीट या लगाना जरूरी है, ग्लोव्स पहनना जरूरी है, आंखों पर चश्मा या ग्लेयर्स पहनना जरूरी है, गम्बूट्स, एप्रन और हाथ धोने के लिए पानी होना बहुत जरूरी है, और उसी तरह से अगर सैनिटाइजर भी वो रखता है तो उसके लिए बहुत काम की चीज है। तो ये सब चीजों को उसको इस्तेमाल करना है जिससे वो सुरक्षित। उसने अपने लिए अलग से चप्पल शौचालय के या जूते रखने जरूरी है, किसी भी चीजों को हाथ लगाना, यहाँ वहां हाथ लगाना उसने लगाना नहीं चाहिए। अपना फोन कम से कम इस्तेमाल करें, अगर फोन इस्तेमाल करता है हेडफोन या तो वो स्पीकर पर डालकर उसको इस्तेमाल करें, हो सके वहां उसको कलेक्शन बॉक्स रखना है जहां वो पैसा जमा कर सकता है। आपको अगर दवाई बनानी है तो इसके लिए आप आसान तरीका है या डिसइंफेक्शन जिसको बोलते हैं, इसका दो तरीके से कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करके और दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप ये बना सकते हो। तो 1% कॉन्सेंट्रेशन वाला जो हाइपोक्लोराइड है उसको 50 ml आप दवाई लेनी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड लेना है और 2 लीटर पानी में डालना है और ये रोज बनाना है। ये है कि हम ब्लीचिंग पाउडर में से डिसइंफेक्शन बना सकते हैं और उसके लिए 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर लेना है और 1 बाल्टी पानी लेना है और ब्लीचिंग पाउडर का लिक्विड बनाकर ये आप हर रोज बनाना है और उसको आप डिसइंफेक्शन करने के लिए चीजें जो है जैसे हैंडल्स है, नॉब्स है, उस पर इस्तेमाल। हर शौचालय में इस तरह की स्प्रेइंग बॉटल आप ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्प्रेइंग बॉटल से जो बनाया हुआ डिसइंफेक्शन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो द्रव्य होता है या लिक्विड जो होता है जो, तो आपको कहाँ कहाँ मारना है उसको, एक तो दरवाजे के हैंडल पर लगाना है, कड़ी जो होती है अंदर से उसको लगाना है, और ज्यादातर लोग सैनिटाइजर का आपका जो हाथ धोते हैं बेसिन पर, तो बेसिन के नल है, अगर टॉयलेट के अंदर का नल है, ड्रम का आजू बाजू का हिस्सा है, टॉयलेट के बाहर अगर रेलिंग्स है जहां लोग पकड़ के उतर के चलते हैं उस जगह पर, आपका काउंटर जो है उसके ऊपर, टॉयलेट के फैन के ऊपर हर 2 घंटे के बाद आपको इसको मारना है और उस एरिया को साफ करना है। जो भी चीजें आप जानते हैं कि लोग जिस चीजों को छू रहे हैं उनको ये डिसइंफेक्शन मारना है हर 2 घंटे के, उन चीजों पर ये डिसइंफेक्शन मारना बहुत जरूरी है। इवन अगर दीवारों को हाथ लगा रहे तो उस हिस्से में भी आप मार सकते हो। डिसइंफेक्शन या स्प्रेइंग का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, ये है टॉयलेट्स के नॉब्स है या हैंडल्स है, दरवाजे के ऊपर लगे हुए रेलिंग्स है, कड़िया है, नल बेसिन के ऊपर नल है, दीवार है जहां लोग पब्लिक हाथ लगाते हैं, या पिलर्स है टॉयलेट के अंदर, खिड़की है जहां लोग हाथ लगा, जहां भी लोग हाथ लगाते हैं उस एरिया को आपको डिसइंफेक्ट करना है।
उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो जो लोग बाहर से आते हैं टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए, उनके लिए वो बहुत उसको क्या करना है, क्या जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। एक तो उसने ये देखना है कि हर व्यक्ति मास्क पहनकर आएगा, हर व्यक्ति के पैर में चप्पल होना जरूरी है, हर व्यक्ति जब शौचालय का इस्तेमाल करता है या अंदर जाता है उसके पहले वो हाथ धो ले और बाहर आता है तो भी वो हाथ धो ले। देखना चाहिए कि लोग थूके नहीं, भीड़ भाड़ नहीं करे, नाक हाथ मुंह को हाथ नहीं लगाए। इस पर आपको उनको बार बार ये बताना जरूरी है लोगों को कि ये उनको नहीं करना है, क्योंकि बीमारी यहाँ से। अभी हम बता रहे हैं कि शौचालय में आमतौर पर भीड़ इस तरह होती है, लेकिन नीचे का जो चित्र है वो बताता है कि कम से कम एक फुट हाथ या हाथ का अंतर रख के हमको दोनों व्यक्ति के बीच में अंतर रखना जरूरी है, क्योंकि जो अगर किसी को छींक आती है, अगर ये कोई बात करते समय उसके मुंह से थूक निकलती है, वो हमारे ऊपर नहीं गिरे, इसलिए वो अंतर रखना बहुत जरूरी है। और ये आपको ध्यान देना है कि लोग इसी तरह से शौचालय के अंदर आ, शौचालय के बाहर निकलने के बाद हर व्यक्ति को 20 सेकंड कम से कम हाथ धोना जरूरी है। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं कि खिड़की पर हाथ रखकर खड़ा है, तो ऐसे जगह पर भी आपको दवाई मारनी है, और ऐसा खड़ा रहना बिल्कुल गलत है। यह व्यक्ति शौचालय में नाक साफ कर रहा है तो ये गलत है। अगर उसको छींक आती है तो उसको रुमाल या टिश्यू या कुछ कपड़ा रखना चाहिए, जिससे वो बाहर उसकी बूंदे बाहर किसी भी वस्तुओं पर या चीजों पर या दीवारों पर ना पड़े। शौचालय के अंदर या बाहर थूकना पूरा मना करना चाहिए, इससे बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। थूकने के लिए पूरा रोक लगाना है। मुतारी का इस्तेमाल करते समय लोग किसी भी जगह पर दीवार पर, लकड़ी पर, बांबू पर हाथ लगाते हैं। इन लोगों को मुतारी का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना जरूरी है। आमतौर पर शौचालय में आपके यहाँ हौद होता है या तो ड्रम होता है, उसमें से पानी आप लोगों को देते हैं, तो यहाँ ड्रम में डिब्बे का पानी में अंदर डालना गलत है। शौचालय में इस्तेमाल किया हुआ डब्बा ड्रम में मत डुबाइए। शौचालय के बाहर आने के बाद आपके हाथ सैनिटाइज करिए, धोइए, आपके पैर भी धो लीजिए। शौचालय साफ सफाई के लिए झाड़ू, कटका, ब्रश, बाल्टी, मग्गा का इस्तेमाल होता है। इससे सब चीजों को अच्छी तरह से धोकर उसको डिसैनिटाइज करके उसको अलग रखना है दूसरे दिन के इस्तेमाल। आपके काम के बाद आपको नहाना है, आपके खुद के कपड़े धोना है और उनको सुखाना है। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, और आप सुरक्षित रहोगे तो आपका परिसर सुरक्षित रहेगा। जितने भी लोग शौचालय इस्तेमाल करेंगे उनको ये जानकारी देकर आप उनको भी सुरक्षित कर रहे हो। धन्यवाद।